हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस डेली ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना काफी जरूरी होता है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी लेवल से अपना प्रिपरेशन हो जाता है। उसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमारा कंसेप्ट स्ट्रांग होता है। तो इसलिए मैं अभी सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठिए, जिससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2018 जिपमर एग्जाम। यहाँ पे मैं काफी एग्जाम्स के, जैसे कि जिपमर है, पीएमटी है, सीईटी है और एम्स है, नीट है, इन सब एग्जामिनेशन के क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप करूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले कई सालों में पूछे गए हैं, लेकिन उससे अपनी कंसेप्ट स्ट्रांग हो सकती है, ऐसे सब क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। तो हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर तीन मेजर टाइप्स आते हैं, जैसे कि चैन, फंक्शनल एंड पोजिशनल। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एक स्पेशल टाइप है, वो है टॉटोमेरिज्म, और पोजिशनल आइसोमेरिज्म का एक स्पेशल टाइप है, वो है मेटामेरिज्म। तो अभी एक क्वेश्चन आया है टॉटोमेरिज्म, दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म के स्पेशल टाइप पे, टॉटोमेरिज्म पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पे एग्जैक्ट उन्होंने पूछा क्या है, विच कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट कौन करता है, वॉट इज द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन टू शो टॉटोमेरिज्म, ये हमें पता होना जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है, अल्फा हाइड्रोजन उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर होना ही चाहिए, और वो अल्फा हाइड्रोजन sp3 कार्बन पे होना चाहिए। इट शुड बी ऑन sp3 कार्बन विच इज अटैच टू, ये sp3 कार्बन किसको अटैच होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड लाइक फंक्शनल ग्रुप को, जैसे कि सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एन, ऐसे मल्टीपल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप को यह अटैच्ड होना चाहिए, तभी टॉटोमेरिज्म हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले कंपाउंड के अंदर अगर हम देखेंगे, तो यहां पे जो C डबल बॉन्ड O है उसके ऊपर यहां पे अल्फा कार्बन है, लेकिन उसके ऊपर हाइड्रोजन नहीं है, यहां पे तो डायरेक्टली हाइड्रोजन ही अटैच है। उसी तरह अगर यहां पे देखेंगे C डबल बॉन्ड O के ऊपर यहां पे ये CH3 है और उसके ऊपर ये अल्फा हाइड्रोजन भी है, इसका मतलब ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। उसी के साथ यहां पे देखेंगे तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और यहां पे मल्टीपल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर टू, विच अमॉन्ग द गिवन मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो टॉटोमेरिज्म दिखा सकता है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर के अंदर अल्फा हाइड्रोजन है क्या। यस, डेफिनेटली यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है। उसी के साथ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे इधर एक अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, तो पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया और ये सब sp3 कार्बन होना चाहिए, डेफिनेटली सब तरफ सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, इसका मतलब सबके सब sp3 कार्बन है यहाँ पे, तो वो भी कंडीशन फुलफिल हो गई। उसी के साथ ये sp3 कार्बन डबल बॉन्डेड को अटैच होना चाहिए, आप देख सकते हैं ये डबल बॉन्डेड कार्बन यहाँ पे है, इसी को ये sp3 अटैच है, यहाँ पे भी डबल बॉन्डेड कार्बन को अटैच है, यहाँ पे भी डबल बॉन्डेड कार्बन को अटैच है। लेकिन अभी एक बात आती है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन को अटैच है sp3, अभी यहां से रीलोकेशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। जब टॉटोमेरिज्म होता है तो उसमें होता क्या है, रीलोकेशन ऑफ हाइड्रोजन कहां से, अल्फा कार्बन से, इस अल्फा कार्बन से अभी ये हाइड्रोजन कहां जाएगा, इधर जाएगा, तब ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। इसी को तो अभी ये सब कीटो फॉर्म दिए हुए, अभी ये इनॉल बन गया, तो इस इनॉल में यहां पे जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तब यहां पे ये OH बन जाएगा, राइट। उसी तरह अगर हम सेकेंड और फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखेंगे, ये हाइड्रोजन अगर इधर आ गया तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और इधर भी हाइड्रोजन इधर आ गया तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन डबल बॉन्ड इन दो कंपाउंड के अंदर, डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है, ये ब्रिज कार्बन
जहां पे ब्रिज बनाया गया है. डबल बॉन्ड ऑफ ब्रिज कार्बन इज हाईली अनस्टेबल. ये ब्रिज कार्बन का डबल बॉन्ड जो होता है, यहां पे कंसेप्ट लिखता हूं, डबल बॉन्ड ऑफ ब्रिज कार्बन इज हाईली अनस्टेबल. तो यहां पे डबल बॉन्ड जो बन रहा है ये ब्रिज कार्बन को इंक्लूड करके बन रहा है. इसका मतलब यहां का डबल बॉन्ड बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, इसलिए दोनों कंपाउंड टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाएंगे. यहां पे डबल बॉन्ड ब्रिज कार्बन पे नहीं आ रहा है तो बाजू वाले कार्बन पे आ रहा है, जो ब्रिज के बाजू वाला कार्बन है उसके ऊपर आ रहा है. तो ये थर्ड इज द करेक्ट आंसर. सो नीट 2016 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए कंसेप्ट काफी क्लियर होना जरूरी है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. काफी लेंदी क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन आइडियली मैं बताऊं ये बहुत छोटा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है. जस्ट अगर सिर्फ ध्यान देके इसको एक सेकंड के लिए आप देखते हैं इधर, तो देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कार्बोनिल कंपाउंड विद हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन. अब भी हमने सीखा था कार्बोनिल कंपाउंड, उसका अल्फा कार्बन, उसके ऊपर हाइड्रोजन, यही ये बात कर रहा है. कार्बोनिल कंपाउंड विथ अल्फा विथ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन, राइट. तो अभी मत पता है हमको ये टॉटोमेरिज्म है, लेकिन अभी ऑप्शंस देखिए, इतने बड़े बड़े लिखे हैं लेकिन इसमें सब में एक ही दिया हुआ चीज. अ कार्बोनिल कंपाउंड विद हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रिएट विद इट्स करस्पॉन्डिंग इनॉल एंड इट इज द प्रोसेस इज नोन एज एल्डिहाइड कीटोन इक्विलिब्रियम. नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं. यहाँ पे वही टेक्स्ट दिया है, लास्ट में बोला इट इज नोन एज कार्बोनाइलेशन. यहाँ पे भी फिर से वही सेम टेक्स्ट है और लास्ट में बोला है किटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, और यहाँ पे बोला है ऐसा कुछ होता नहीं. तो किटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, हमको पता है कि मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन को एक अल्फा कार्बन होता है, उसके ऊपर एक अल्फा हाइड्रोजन होता है. ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ टॉटोमेरिज्म. सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. दिस इज AIPMT 2015 क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन वेयर इट इज चेक्ड द कंसेप्ट ऑफ टॉटोमेरिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. The order of stability of following tautomeric compound is. इन जो तीन tautomeric compound दिए हैं, इनमें stability order लगाना है हमको. देखिए बहुत simple है, सिर्फ यहाँ पे ऐसा difficult लग रहा है. आप सबसे पहले तो focus करिए इस center के molecule को. ये कौन है? ये जो center का molecule है, ये beta diketone है, right? Beta diketone. क्यों इसको beta diketone बोला? Functional group के बाजू का carbon होता है alpha, उसके बाजू वाला carbon होता है beta. तो बीटा के ऊपर कीटोन है. अगर मैं फंक्शनल ग्रुप इसको कंसिडर करता हूं, इस कार्बन को कंसिडर करता हूं, तो ये अल्फा है, ये बीटा है. तो दोनों भी कीटोन एक दूसरे के बीटा पोजीशन पे है, इसलिए इनको बोला हमने बीटा डाई कीटोन. होप दिस इज क्लियर. तो अभी ये बीटा डाई कीटोन के अंदर अगर देखोगे आप, तो अल्फा कार्बन यहां है, अल्फा कार्बन यहां है, अल्फा कार्बन यहां है, तो इतने अल्फा हाइड्रोजन भी है. यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन है, राइट. तो टॉटोमेरिज्म तो डेफिनेटली यहां पे होगा, लेकिन टॉटोमेरिज्म होते समय अभी बात क्या है, एक तो इस साइड होगा या इस साइड होगा, तो कौन सा अच्छा रहेगा? अगर टॉटोमेरिज्म इस साइड में हो गया, ये वाला, एक सेकेंड, यहां पे, तो क्या हो जाएगा, ये यहां पे OH बन जाएगा. तो इससे यहां पे जो CH3 है वो तीन अल्फा हाइड्रोजन देगा, राइट. राइट, ये बात समझ में आ रही है? ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये कौन हो गया? अल्कीन, राइट. तो अल्कीन जो है उसके ऊपर जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे उतना ज्यादा वो पर्टिकुलर अल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है. तो यहां पे इसी सेंटर वाले स्ट्रक्चर के दो टॉटोमेरिक फॉर्म है, एक ऊपर निकाला है, एक नीचे निकाला है. ये जो नीचे वाला फॉर्म है इसके अंदर तीन अल्फा हाइड्रोजन है और ऊपर वाले के अंदर सिर्फ दो अल्फा हाइड्रोजन है. कैन यू सी दैट? ये एक क्राइटेरिया उसका चेक करने का. अभी दूसरा और एक क्राइटेरिया यहां पे देखना है, वो है रेजोनेंस. ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है. दिस लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विथ पाई बॉन्ड. लोन पेयर अल्टरनेट पाई बॉन्ड, तो यहां पर रेजोनेंस भी हो रहा है. इस टॉटोमेरिक फॉर्म में रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन ये वाले टॉटोमेरिक फॉर्म में रेजोनेंस नहीं है. रेजोनेंस यहां पे आपको रेजोनेंस दिखाई देगा डेफिनेटली, ये यहां पे,
लेकिन अल्फा हाइड्रोजन कम है। यहां पे रेजोनेंस के साथ साथ तीन अल्फा हाइड्रोजन है, राइट? तो इसका मतलब हो गया ये थर्ड हाईली स्टेबल है, थर्ड इज हाईली स्टेबल। थर्ड हाईली स्टेबल का ऑप्शन कौन सा है? बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी यहां पे कि यहां पे कॉन्जुगेशन हो रहा है क्या, टॉटोमराइजेशन होने के बाद कॉन्जुगेशन हो रहा है क्या, और अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, ये हम चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा स्टेबल इनॉल फॉर्म है। दिस इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन दिस इनॉल फॉर्म। ओके, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2015, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिज्म इज शोन बाय इथाइल एसिटो एसिटेट। अभी सबसे पहले तो हम इथाइल एसिटो एसिटेट का एक स्ट्रक्चर निकालते हैं। ये होता है इथाइल, एसिटेट बोला हुआ है तो फिर ये ईस्टर ग्रुप निकाल लेते हैं पहले, है ना, एसिटो एसिटेट। तो अभी एसिटो बोला हुआ है तो एसिटो कैसा होता है, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे सी एच टू, दिस इज इथाइल एसिटो एसिटेट। ये स्ट्रक्चर है इथाइल एसिटो एसिटेट का। अगर इसको अगर देखेंगे तो हम ये कीटो फॉर्म में है करंटली। अभी इसका अगर इनॉल फॉर्म करेंगे, हम इनॉल फॉर्म करेंगे तो कैसा बनेगा, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे जो अल्फा हाइड्रोजन है ये यहां से इधर रिलोकेट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है, ये स्ट्रक्चर कैसे मिलता है, OH, हाइड्रोजन रिलोकेट हो गया, डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O, यहां पे H, O, C2H5। सो इस तरह का इनॉल हमें मिलेगा। सो दिस इज, पूछा क्या है हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोमेरिज्म शोन बाय इथाइल एसिटेट। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं है, लेकिन यहां पे क्लियरली दिख रहा है अल्फा हाइड्रोजन है तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होने वाला है, है ना। सो नेक्स्ट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अभी इनमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म कौन दिखाएगा, अल्किल हैलाइड्स तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाते नहीं, बस इनको तो पहले ही काट दो। उसके बाद आता है जो C3H6, ये है अल्कीन। अभी अल्कीन जो तीन कार्बन का होता है, ये ज्यादा से ज्यादा क्या दिखा सकता है यहां पे, कुछ मीन्स ना चैन दिखा सकता है, ना फंक्शनल दिखा सकता है, ना पोजिशनल दिखा सकता है। कम पोजिशनल भी दिखाने के लिए कम से कम चार कार्बन होने चाहिए, राइट? सो इस तरह से अगर देखेंगे तो 1-butene, 2-butene, ना ये चैन दिखा सकता है, ना पोजिशनल दिखा सकता है, ना फंक्शनल दिखा सकता है। अभी जाते हैं C2H5OH। ये कौन है C2H5OH? इसको अगर जनरल फॉर्मूला हम लिख के देखेंगे तो 2=N लेते हैं, CnH2n+2O। इस जनरल फॉर्मूला में फिट होता है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n+1OH, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इसका मतलब ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है। तो ये जनरल फॉर्मूला, और कोई कंपाउंड है क्या कि जिसको मैच करता है? यस, ये अल्कोहल को भी मैच करता है और इथर को भी मैच करता है। दिस इज द सेम जनरल फॉर्मूला दिस टू फंक्शनल ग्रुप शेयर्स। सो इसका मतलब फंक्शनल आइसोमेरिज्म C2H5OH दिखाता है। वो कैसे, CH3CH2OH। अभी इथर कैसा है, CH3OCH3, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। दिस इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर, राइट? सो सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो मेटामेरिज्म। अभी मेटामेरिज्म क्या होता है, मेटामेरिज्म मीन्स बायोवेलेंट एटम्स जो होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, NH है, C डबल बॉन्ड O है, सल्फर है, तो इनके आइदर साइड में, लाइक लेफ्ट साइड और राइट साइड में, डिफरेंट नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप अगर होते हैं तो उसे मेटामेरिज्म शो कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे कि अगर यहां पे मैं इथर होगा, सल्फर होगा, NH होगा, तो कम से कम चार कार्बन तो होने ही चाहिए, कम से कम चार कार्बन होने चाहिए तभी इसके अंदर मेटामेरिज्म हो सकता है। और कीटोन के अंदर और ईस्टर के अंदर कम से कम पांच कार्बन होने चाहिए। क्या बोला मैंने, मेटामेरिज्म शो करने के लिए ऑक्सीजन, दैट इज ये इथर वाला ग्रुप,
ये एनएच दैट इज अमाइन वाला ग्रुप और ये सल्फर वाला ग्रुप, थायो ईथर्स बोलते हैं इसको। थायो ईथर, ईथर और अमाइन, इनके अंदर कम से कम चार कार्बन की जरूरी होती है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये चार कार्बन मैंने अरेंज कर दिया ऑक्सीजन के आइदर साइड पे। तो अभी अगर मैंने इसी को तीन कार्बन इधर और तीन कार्बन इस साइड कर दिया, सो ये दोनों एक दूसरे के मेटामर हो गए। द डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन ऑन आइदर साइड ऑफ द बायवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, दिस इज मेटामेरिज्म। तो अभी यहां पे क्या है, ये तो ईस्टर है, ये ईस्टर है राइट। तो ईस्टर के अंदर अगर हम देखेंगे तो कितना कार्बन बोला है मैंने, कम से कम पांच कार्बन होने चाहिए। तो यहां पे कितने कार्बन है, ये दो, ये तीन, ये चार। तो इसका मतलब ये मेटामेरिज्म नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट, यस, इसके अंदर चार कार्बन है तो ये मेटामेरिज्म दिखाएगा। इसके अंदर दो ही कार्बन है, मेटामेरिज्म नहीं दिखाएगा। इसके अंदर तीन कार्बन है, इसकी मेटामेरिज्म नहीं दिखाएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर एट, यहां पे आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एसाइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आज तक कम से कम सात आठ बार पूछ चुका है मैंने, लेकिन अभी तक सिर्फ मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए है यहां पे। तो जेई में भी काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, और यही इसी क्वेश्चन में और एक एडिशन होता है C5H12O। इन दोनों का आंसर निकालने का तरीका तो एक ही है। देखिए, हमको C4H10O का क्या निकालने को बोला है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फाइंड आउट करने को बोला है राइट। तो फिर सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि C4H10O मींस ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन से जनरल फॉर्मूला में फिट हो रहा है, CnH2n+2O राइट। तो ये जनरल फॉर्मूला के अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप आते हैं ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चार्ट दिखा दूंगा जो आपके पास होना ही चाहिए। एवरी स्टूडेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुड हैव दिस चार्ट। अगर ये आपके पास है तो आपका आइसोमेरिज्म में गलती होना पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, ये पहले चार्ट आपके नोटबुक में लिख लीजिए। मैं अभी इसका इस्तेमाल सिखाता हूं, हाउ टू यूज दिस। अभी हमने क्या बोला, C4H10O इज अ CnH2n+2O राइट। तो CnH2n+2O के अंदर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर फिट हो रहा है तो उसके आइसोमर्स कौन से फंक्शनल ग्रुप से आते हैं, ये अल्कोहल से आता है और ईथर से आता है। अगर ये पता चल गया तो हमें हाफ आंसर तो पता ही चल गया कि दिस इज फंक्शनल आइसोमर एंड इट इज गोइंग टू गिव अस डिफरेंट अल्कोहल्स एंड ईथर्स राइट। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि कौन से अल्कोहल और ईथर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी देने वाला है हमें। तो चलिए यहां पर देखते हैं, C4H10O इज CnH2n+2O, दिस इज अल्कोहल एज वेल एज ईथर। यहां तक तो हमारा कंक्लूजन आ चुका है चार्ट के हिसाब से। अभी इसके अंदर चार कार्बन है तो चार कार्बन के चेन आइसोमर्स पहले निकालते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ये दो टाइप का स्केलेटन कार्बन का बन सकता है जब चार कार्बन होता है, उसी तरह हम ईथर का भी लिख के लेते हैं। ओके, नाउ आपको पता है जो अल्कोहल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, वो कार्बन के ऊपर लगाया जाता है, लाइक कार्बन के ऊपर होता है राइट। जैसे अगर यहां पे मैंने OH ग्रुप लगा दिया तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ब्यूटेनॉल राइट, ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहां पे लगाएंगे तो 2-butanol राइट। अभी फिर से मैं अगर ये दोनों नहीं हटा दिया और यहां पे लगा दिया तो उसका भी मतलब 2-butanol होने वाला है, और यहां पे लगा दिया तो उसका मतलब भी 1-butanol होने वाला है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर चेन में दो जगह पे आप OH ग्रुप लगा सकते हैं, मींस पोजिशनल आइसोमर भी दो आ गए राइट। नेक्स्ट, इसी तरह अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो यहां पे आप OH लगा सकते हो, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, तो तीनों में से एक आपने चूज कर लिया ये वाला, और यहां पे भी OH लगा सकते हो जो टर्शियरी है। तो टोटल ऐसे चार पोजिशन है जहां पे अलग अलग पोजिशन पे आप OH लगा सकते हैं। तो चैन पोजिशनल, दोनों आइसोमर तो यहां पे बन गए, अभी फंक्शनल तो आपको इधर से मिलने वाला है। तो टोटल कितने आइसोमर यहां पे अल्कोहल के हो गए, चार, 1, 2, 3, 4। नाउ नेक्स्ट, ईथर के अंदर, ईथर के अंदर जो ग्रुप होता है वो ऑक्सीजन होता है जो दो कार्बन के अंदर होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे,
पहला ऑक्सीजन यहाँ पे डाल के देखेंगे, यस इधर एक मिथाइल है, एक कार्बन है, इधर तीन कार्बन है। उसके बाद ऑक्सीजन को यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे दो और यहाँ पे दो, तो टोटल यहाँ पे दो आइसोमर मिल गए हमको, राइट। उसके बाद हम इसके अंदर यहाँ पे पुटअप करके देखते हैं, तो यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे तीन कार्बन है जो ब्रांच में है। अभी यहाँ पे डालेंगे कहीं पे भी डाल देंगे तो उसका मतलब तो सेम ही होने वाला है। इसका मतलब 1, 2, 3 टोटल 3 आइसोमर्स ऑफ ईथर एंड 4 आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल, सो वी आर गोइंग टू गेट 7 आइसोमर्स ऑफ C4H10O, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोल रहा हूं मैं, स्टीरियो आइसोमर्स नहीं, हमको क्वेश्चन स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछा हुआ है। तो 7 स्ट्रक्चरल आइसोमर हमें मिलते हैं। ये बहुत शॉर्टकट तरीका है एग्जाम में फास्ट आंसर निकालने का। अगर आप हर एक स्ट्रक्चर निकालते बैठो कि जैसे कि अगर आप इस तरह से निकालते बैठोगे हर एक स्ट्रक्चर को, अभी हमने ये देखा, हमने क्या निकाला था, 4 अल्कोहल्स एंड 3 ईथर्स, ये सब हमारे उस आंसर में इंक्लूडेड था। आप रिवर्स करके देख सकते हैं कि ये सब हमने उसके अंदर इंक्लूड किया था। सो वी आर गेटिंग टोटल 7 आइसोमर्स एक्सक्लूडिंग ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्यों, तो हमको सिर्फ स्ट्रक्चरल पूछा हुआ है, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C4H7OH, C4H7OH, ओके। तो अभी इसका फॉर्मूला पहले तो हम जनरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिख जाता है तो उसको आप पहले जनरल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लीजिए। ये कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। उसके बाद हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 8 है, तो इसका मतलब CnH2n, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो CnH2nO। ये जनरल फॉर्मूला में कौन से आइसोमर आते हैं ये आपको पहले देखना है। तो इसके लिए क्या करोगे, आप सबसे पहले तो चार्ट की तरफ जाओगे, तो चार्ट के अंदर देखिए CnH2nO क्या क्या बता रहा है। CnH2nO बताता है कि ये एल्डिहाइड देता है, कीटोन हो सकता है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड ईथर्स हो सकते हैं, साइक्लिक ईथर्स हो सकते हैं, और एक ऐड कर दीजिए यहाँ पे साइक्लिक अल्कोहल्स भी हो सकते हैं, साइक्लिक अल्कोहल्स भी हो सकते हैं। तो इतने सारे आइसोमर्स पॉसिबल है इस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप से, इस पर्टिकुलर जनरल फॉर्मूला से। तो चलिए हमारा क्वेश्चन स्पेसिफिकली क्या है वो देखिए। आप सबसे पहले तो याद रखना है हमारा क्वेश्चन था कि अल्कोहल्स पूछा है बेसिकली हमको, है ना। तो अल्कोहल्स कौन से आने वाले हैं, क्योंकि वहां पे क्लियरली मेंशनड है C4H7OH, इस तरह से मेंशन किया है क्वेश्चन में, OH मेंशन किया है, इसका मतलब सिर्फ अल्कोहल वाले आइसोमर पूछ रहे हो। दे आर नॉट आस्किंग एल्डिहाइड, कीटोन, साइक्लिक ईथर्स वगैरह, राइट। तो दे आर आस्किंग अनसैचुरेटेड अल्कोहल एंड साइक्लिक अल्कोहल। तो अभी C4H7OH के अनसैचुरेटेड एंड साइक्लिक अल्कोहल्स कौन से आते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो यहां पे है C4H7OH, ओके। तो यहां पे अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स में सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं 4 कार्बन की चेन, ओके। तो यहां पे डबल बॉन्ड दीजिए पहला, नेक्स्ट यहां पे डबल बॉन्ड दीजिए, ओके। आप यहां पे डबल बॉन्ड देने के बाद यहां पे भी OH लगा सकते हैं, यहां पे भी डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड वाला 1-butene है ऑलमोस्ट, यहां पे भी OH लगाओ, यहां पे भी OH लगाओ, तो दो आइसोमर इससे मिले हमको। यहां पे OH लगाओ तो एक आइसोमर यहां से मिला हमको, राइट। तो अभी इसको, इस चेन को ब्रांच करके देखते हैं, यस ब्रांच करके भी देख सकते हैं। कौन से भी एक कार्बन पे OH लगा दो मतलब तो एक ही होने वाला है, तो टोटल 4 अनसैचुरेटेड अल्कोहल मिले यहाँ पे। अभी हमको और भी बताए एक चीज कि ये साइक्लिक अल्कोहल्स भी देता है, C4H8O साइक्लिक अल्कोहल्स भी देता है। अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स तो हमने निकाल दिए, अभी साइक्लिक अल्कोहल्स निकालना पड़ेगा। साइक्लिक अल्कोहल मीन्स क्या, एक साइकिल है 4 कार्बन की, उसके ऊपर OH लगा है, देखिए यहाँ पे हो रहा है कि नहीं फुलफिल, C4H8O फुलफिल हो रहा है क्या, H और ये H, ये टोटल 6 हाइड्रोजन, यहाँ का 7वां और यहाँ का 8वां, और एक ऑक्सीजन और एक 4 कार्बन, मीन्स फुलफिल हो रहा है, राइट। नेक्स्ट ये है और एक साइक्लिक अल्कोहल, गेटिंग फुलफिल, राइट। और
दूसरा ये एक पॉसिबल है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना ही पड़ता है, यहाँ पे आपको अगर आपको वो चार्ट पता है तो आपकी गलती नहीं होगी कि क्या क्या आंसर आने वाला है, आपको ऑलरेडी पता है कि आंसर क्या आने वाला है, लेकिन उसके बाद आंसर सही से निकालने के लिए आपको ये ट्रिक्स यूज करने हैं, राइट। मैं आपको पूरा फुल फ्लेज आंसर भी दिखाऊंगा अभी, लेकिन ट्रिक्स कैसे यूज करना है, कैसे फास्ट आंसर निकालना है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करते बैठना है। बस बोला है ना C4, तो चार कार्बन ले लो, उसके अंदर अनसैचुरेशन बोला है ना, तो डबल बॉन्ड मार दो ना, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड मारो, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड मारो, ब्रांच करके डबल बॉन्ड मारो, इस दिस यू कैन मेक द क्वेश्चन आंसर वेरी सिंपलर, फास्टेस्ट बना सकते हो उसको, क्यों तो हमें टाइम कम है वहां पे, ये कुछ बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि आप आराम से करते रहो, राइट। तो ये आप अच्छे से लिख लीजिए, और ये है प्रॉपर आंसर्स जो अभी हमने फाइंड आउट किए थे। पहले कार्बन पे जब हमने OH लगाया था तो ये ऐसा दिखेगा, राइट। दूसरे कार्बन पे OH लगाया था तो ऐसा दिखेगा, सेंटर वाला डबल बॉन्ड डाल देंगे, सेंटर वाले में डबल बॉन्ड देंगे डालेंगे और उसके ऊपर OH लगाएंगे तो ऐसे दिखेगा, राइट। ब्रांच करके उसके ऊपर OH लगाएंगे तो इस तरह से दिखेगा। ये चारों हमने ड्रॉ किए थे देखिए, और उसके बाद ये भी ड्रॉ किया था, ये भी ड्रॉ किया था, और ये भी ड्रॉ किया था। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड सिंपल क्वेश्चन। तो हाउ मेनी आइसोमर्स? 7 आइसोमर्स आर पॉसिबल। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर C4H8 इज, क्वेश्चन काफी सिंपल है, C4H8, लेकिन C4H8 है क्या? C4H8 इज CnH2n। ये कौन है? आपको सबको पता है, ये 11th में क्या 10th में भी पढ़े हैं हम, ये अल्कीन है। तो अल्कीन के साथ और कोई है क्या? अल्कीन के साथ और कोई देता है क्या? देखिए, अल्कीन के साथ CnH2n में अल्कीन के साथ साइक्लोअल्केन्स भी है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में साइक्लोअल्केन्स को भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे उन्होंने टोटल नंबर ऑफ आइसोमर पूछा है, हमने उन्होंने ये नहीं पूछा कि सिर्फ अल्कीन वाले बताओ, अनसैचुरेटेड वाले बताओ, ऐसा नहीं बोला, टोटल नंबर बोला है, तो इसका मतलब अल्कीन एज वेल एज साइक्लोअल्केन्स अभी बताना है आपको, राइट। तो C4H8 के अल्कीन कौन से आते हैं? 1, 2, 3, 4, इसमें डबल बॉन्ड पहले इधर दे दो, उसके बाद 1, 2, 3, 4 डबल बॉन्ड यहां दे दो सेंटर में, ओके। उसके बाद ब्रांच कर दो, 1, 2, 3, 4 डबल बॉन्ड यहां पे दे दो, ये तीन अल्कीन बन गए, राइट। इसके अलावा तो कोई चेन पॉसिबल नहीं है अभी, स्केलेटन चेंज नहीं कर सकते अभी, और ना ही डबल बॉन्ड की पोजिशन चेंज कर सकते हो, तो इसका मतलब अल्कीन तीन आ गए। अभी साइक्लो अल्केन देखते हैं, चार कार्बन का साइक्लो, ये C4H8, ये हो गया, ये हो गया C4H8, राइट। तो इस तरह से आपको मिला तीन। अभी इसके अलावा और कोई चेन पॉसिबल है क्या? कोई साइक्लिक चेन, कोई अनसैचुरेटेड चेन? नो। सो टोटल ये तीन हो गए। और एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, यहां पे ना ही उन्होंने मेंशन किया है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर, ना ही उन्होंने मेंशन किया है कि ऑप्टिकल आइसोमर। जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको जितने पॉसिबल है उतने आइसोमर निकालना होता है। तो यहाँ पे ये है 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन कैसे होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2-ब्यूटीन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और 2-ब्यूटीन इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, राइट। तो ये दोनों कौन हो गया? ये सिस है, ये ट्रांस है, डेफिनेटली ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से है, लेकिन क्वेश्चन वैसा स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ ज्योमेट्रिकल बताओ, सिर्फ स्ट्रक्चरल बताओ, इसलिए आपको क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 आइसोमर्स है। होप दिस इज क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू 11th क्वेश्चन, हाउ मेनी आइसोमेरिक विसिनल डायहैलाइड्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6 Cl2। देखते हैं, सबसे पहले तो C3 ड्रॉ करते हैं, 1, 2, 3, तो Cl2 को पहले प्लेस देते हैं हम, विसिनल बोला है तो एक के बाजू में एक होना चाहिए। अभी Cl को आप किधर भी नहीं हिला सकते, अगर चलो आपने बोला कि चलो सर मैं यहाँ पे हिला देता हूँ, तो एडजेसेंट कार्बन पे अगर हैलाइड नहीं है तो इसको विसिनल नहीं बोल सकते, ये तो आइसोलेटेड हैलाइड हो गया, राइट। टर्मिनल हैलाइड्स बोलते हैं इसको, ये विसिनल ऐसा होता है, जेमिनल एक ही कार्बन पे दो होता है, तो इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, इसलिए ओनली वन आइसोमर इज पॉसिबल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम MHT CET 2010, राइट।
नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज एन आइसोमर ऑफ इथेनॉल? बहुत सिंपल है, अब भी हमने देखा था इथेनॉल CH3CH2OH. अल्कोहल का दूसरा फंक्शनल आइसोमर कौन है? इथर है, अब भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, राइट? तो इसका अगर फॉर्मूला के हिसाब से निकालना है तो CnH2n+2O, इसके दो होते हैं, एक अल्कोहल होता है और एक इथर होता है, तो इथर यहां पे मिल गया, डाइमिथाइल इथर, ये D इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट, यहां पे हमने बेसिकली उसका आंसर निकाला है, अल्कोहल और इथर, राइट? तो आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोमर ऑफ इथेनॉल? ये क्वेश्चन यस रिपीट हो गया है, नहीं रिपीट नहीं हुआ है, वो स्लाइड के बाद आ गया है, नॉट अ प्रॉब्लम. नेक्स्ट, तो इसका आंसर मिल गया आपको, D इज द करेक्ट आंसर. तो 13th क्वेश्चन, ketoenol tautomerism is not observed in. आपको पता है ketoenol tautomerism observe होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन की होना बहुत जरूरी है, उसके लिए अल्फा कार्बन भी होना चाहिए और डबल बॉन्डेड कार्बन भी होना चाहिए. तो यहाँ पे डबल बॉन्डेड तो है C डबल बॉन्ड O, लेकिन इसके अंदर अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, इसका मतलब यही आंसर है. नीचे तो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, फिर भी देखना चाहिए कभी कभी, है ना? ये तो ऑलरेडी इनॉल फॉर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब इसका कीटो होगा ही. यहाँ पे बीटा कीटो डाइड कीटोन्स है, तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, बहुत सारे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. ओके, तो इस तरह से इसका आंसर आ गया ए. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज 14th क्वेश्चन. हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्राइमरी अमाइंस आर पॉसिबल फॉर द फॉर्मूला C4H11N? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमको पूरा नहीं बताया, सिर्फ प्राइमरी पूछा है ना, सिर्फ प्राइमरी पूछा है ना, तो कोई ट्रिक यूज करने की जरूरत नहीं. अगर प्राइमरी नहीं पूछा होता तो हमें ट्रिक यूज करना पड़ता और सब आंसर एक साथ निकालना होता, लेकिन सिर्फ प्राइमरी पूछा है ना, तो C4 की पहले चैन निकाल लो, 1 2 3 4 1 2 3 4, बस बात खत्म, यहीं पे आंसर मिलने वाला है हमको. यहाँ पे NH2 लगाओ अलग कंपाउंड मिलेगा, यहाँ पे NH2 लगाओ अलग कंपाउंड मिलेगा, राइट? तो अभी नेक्स्ट कौन सा लगाओगे? नेक्स्ट यहाँ पे लगाओ और यहाँ पे लगाओ, हो गया, 4 इज द आंसर, C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बस इसके अलावा तो कुछ बनने वाला नहीं है ना, होप किसी को कंफ्यूज नहीं है. यहाँ पे NH2 लगाएंगे तो ब्यूटेनामाइन, यहाँ पे 2-butanamine, इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स बनेंगे और ये ब्रांच चेन वाले, राइट? तो 4 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मेटामर्स ऑफ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O. C5H10O में मेटामर्स कितने आते हैं? पहले तो मुझे बताओ ये C5H10O है क्या? CnH2nO. ये CnH2nO कौन है भाई? Who is this CnH2nO? CnH2nO is aldehyde. कीटोन, राइट? तो मेटामर तो अल्डिहाइड में होता ही नहीं, क्यों? तो अल्डिहाइड ग्रुप कैसा होता है? ये ऐसा होता है, बायफंक्शनल नहीं है, ये इधर फिक्स हाइड्रोजन होता है, लेकिन कीटोन तो बायफंक्शनल है, इधर कुछ भी हो सकता है, इधर भी कुछ हो सकता है. तो इसका मतलब सिर्फ कीटोन कितने आने वाले हैं वो निकालना है हमको, बस बात खत्म. और कीटोन में भी ऐसे कीटोन्स निकालने हैं कि जो अनसिमेट्रिक या सिमेट्रिक कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे कि हम देखेंगे अभी, इसका आंसर मैं निकाल के दिखाता हूं. तो चलिए यहां पे देख लीजिए, अभी 5 कार्बन तो है, इसका मतलब कीटोन के अंदर 5 कार्बन होने चाहिए, हमने कंडीशन डाला था ना, 5 कार्बन तो है यहां पे, 1 2 3 4 5. ओके, इसकी और कोई चेन बनती है क्या? यस बनती है, 1 2 3 4 5. और कोई चेन बन सकती है क्या? 1 2 3 4 5. ओके, अभी चलते हैं. कीटोन कभी भी ग्रुप कार्बन के ऊपर होता है, राइट? तो यहां पे लगा दो पहले डबल बॉन्ड, यहां पे 1 यहां पे 3, तो ये सही है एकदम. अगर इसको हटा के मैंने इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड ओ लगा दिया तो इधर 2 हो जाएंगे, इधर 2 हो जाएंगे, इसका मतलब कितने मिले यहां पे टोटल? यहां पे 1, यहां पे 1, 2 आइसोमर यहां पे मिले मेटामर. नेक्स्ट, अगर मैं यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ कर दूंगा तो इधर 1 हो जाएगा, इधर 3 ब्रांच, ये वाले 3 कार्बन हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये टोटल हो गया हमारा 2 1 2 3, 3 इज द करेक्ट आंसर. क्यों? तो यहां पे तो किसी को डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकते, किसके ऊपर डबल? इधर डबल बॉन्ड लगाओगे तो इधर अल्डिहाइड हो जाएगा, तो ये तो यूजफुल है ही नहीं, मेटामर बनाने के लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन मेटामर बनाने के लिए ये यूजफुल है, क्योंकि इधर 1 कार्बन आ रहा है, इधर 1 ब्रांच चेन आ रही है, यहां पे
इधर दो, इधर दो, यहां पे इधर एक, इधर तीन, तो इस तरह से ये हो गया। थ्री मेटामर्स आर पॉसिबल, AFMC आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज 2009 का ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, राइट। सो शैल वी गो अहेड नाउ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इथर एंड अल्कोहल आर, अब भी काफी देर से हम देख रहे हैं इसको, दिस इज फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, MSTCET 2009 का एक क्वेश्चन है, राइट। आगे चलते हैं, द टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, क्यों, तो क्या करना है हमको, क्या पूछा है, चेन आइसोमर पूछा है ना, बाकी कुछ हेडेक ज्यादा नहीं है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5 बस बात खत्म, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये एन पेंटेन है, राइट, ये आइसो पेंटेन है और ये नियो पेंटेन है, हो गए तीन ही आइसोमर पॉसिबल, इसके अलावा कोई चेन पॉसिबल है क्या, इम्पॉसिबल, इसके अलावा कोई चेन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो इसके हिसाब से 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, मिथॉक्सी मिथेन एंड इथेनॉल आर, देखिए मिथॉक्सी मिथेन, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है बहुत बार, आपको देखा होगा ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन अभी तक देखे हैं, लेकिन सेम नहीं है, कंसेप्ट एक ही है लेकिन क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, ये इथेनॉल है, मिथॉक्सी मिथेन है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इसका मतलब यह फंक्शनल आइसोमर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हैविंग मोलार मास 58, मोलार मास 58 है, ओके, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हैविंग मोलार मास 58 इज C2H5, C2H5 उसका कंपोजिशन है, मोलार मास टोटल 58 है, ओके, तो अभी यहां पे हमको पूछा है नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल आर, तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि ये कंपाउंड होगा कौन सा, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो हमको दिया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जो हमको दिया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा, ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया है इसका मास कितना आएगा, 29, राइट, एंड मोलार मास कितना बोला है हमको, मोलार मास 58 ग्राम पर मोल, राइट, सो n इज इक्वल टू 58/29, कितना मिल रहा है हमको, 2, तो अभी क्या करते हैं, ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं, C2H5 taken twice, तो इसका मतलब C4H10, ये कौन है भाई, ये C4H10 है, ये जो मॉलिक्यूलर मोलर मास दिया हुआ है ये किसका मोलर मास है, C4H10 का है, राइट, तो फिर अभी क्या करना है, चार कार्बन की चेन देखना है, क्यों, तो हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछा है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये देखिए दो ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है इससे, 1, 2, दो ही चेन पॉसिबल है, राइट, इसके अलावा कोई चेन पॉसिबल है क्या, चार कार्बन की नहीं, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। आगे चलते हैं, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व्ड इन यूरिया मॉलिक्यूल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यूरिया आपको पता है दिस इज फर्स्ट कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरी विच इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसका अगर ये है कीटो फॉर्म में दिख रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कीटो फॉर्म में है, इसका इनॉल फॉर्म बन सकता है क्या, यस डेफिनेटली, सी डबल बॉन्ड एन बी मल्टीपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे आप क्या करिए, NH डबल बॉन्ड COH NH2 एंड दिस इज इनॉल फॉर्म, इसका मतलब ये कौन सा है, ये इसके अंदर कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाई दे रहा है आपको, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व्ड इन यूरिया मॉलिक्यूल इज, यहां पे एक्चुअली फंक्शनल आइसोमर बोलना पड़ेगा, रीजन इज द स्पेशल टाइप ऑफ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, दिस स्पेशल टाइप ऑफ
फंक्शनल आइसोमेरिज्म इज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म. अगर यहाँ पे डायरेक्टली टॉटोमेरिज्म दिया होता तो वो आंसर आता. अगर डायरेक्टली टॉटोमेरिज्म नहीं लिखा है तो आप इसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म में पकड़ोगे, क्योंकि ये चैन नहीं बन सकता, पोजिशनल नहीं बन सकता, ज्योमेट्रिकल भी नहीं बन सकता. राइट क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है उन्होंने. ये जो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म है, ये टॉटोमेरिज्म इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, दैट्स व्हाई फंक्शनल आइसोमेरिज्म इज द करेक्ट आंसर हियर. ओके नाउ लेट्स मूव अहेड. Which one of the following compound cannot show tautomerism? कौन ऐसा है जो tautomerism नहीं दिखा सकता? देखिए यहाँ पे अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो ऑलरेडी इनॉल फॉर्म है, इसका मतलब ये कीटो फॉर्म देगा ही देगा. यहाँ पे अल्फा कार्बन यहाँ पे है, ये डबल बॉन्ड है. ओके नो दिस इज नॉट डबल बॉन्ड, एक मिनट ये ब्लर हो गया है. सो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ऐसा, और यहाँ पे अल्फा कार्बन है. अल्फा कार्बन है तो फिर क्या होगा, इधर का जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया, इसका मतलब यहाँ पे कीटो इनॉल बनेगा. नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड अल्फा कार्बन की तलाश में है, यहाँ पे अल्फा कार्बन नहीं है. अल्फा कार्बन ना होने की वजह से ये इधर शिफ्ट नहीं हो सकता, यहां से हाइड्रोजन इधर जा नहीं सकता, इसका मतलब दिस इज द कंपाउंड विच इज नॉट गोइंग टू शो टॉटोमेरिज्म. लेकिन यहाँ पे यस, इधर ये शिफ्ट हो सकता है, इधर का हाइड्रोजन इधर जा सकता है, यस बन सकता है. So D is the correct answer here. Okay. Now next, the total number of possible isomers of trimethyl benzene is trimethyl benzene. ये देखिए benzene के ऊपर तीन methyl group लगाना है और उसके tautomer find out करने हैं. CH3 उसके isomer find out करने हैं. 1, 2, 3. तो ये position हो गया 1, 2, 3. Next अभी क्या करिए, बेंजीन निकाल के उसके फर्स्ट पोजीशन पे CH3 लगाओ, सेकंड पोजीशन पे CH3 लगाओ और फोर्थ पोजीशन पे लगाओ. 1, 2, 4. अभी नेक्स्ट बेंजीन के फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ मींस 1, 3, 5. इसके अलावा कोई पोजीशन पॉसिबल है क्या? नो एनी अदर पोजीशन इज पॉसिबल टू सब्स्टिट्यूट दिस मिथिल. राइट, तो इसका मतलब ये तीन ही यहां पे पॉसिबल आइसोमर्स मिलने वाले, पोजिशनल आइसोमर्स मिलने वाले हैं. ओके सो नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 23, द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इन C6H3Cl3. थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां पे, 3 3, तो इसका मतलब C6H6 था जिससे तीन हाइड्रोजन निकाल के तीन हैलोजन डाल दिया है. इसका मतलब ये बेंजीन का रिंग है, ये बेंजीन का रिंग है. राइट इस बेंजीन के रिंग के ऊपर तीन बार सीएल लगाओ, सीएल सीएल सीएल. अब भी हमने देखा 1, 2, 3, 1, 2, 4 and 1, 3, 5, ऐसे तीन ही आइसोमर पॉसिबल होते हैं जब ये तीन सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के ऊपर आते हैं. राइट जैसे कि 1, 2, 4 का कौन है, सीएल सीएल सीएल. 1, 3, 5 का है सीएल सीएल एंड सीएल. तो इस तरह से फिर से इसका भी आंसर आएगा 3. सिर्फ क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा हुआ है. एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन आर एग्जांपल्स ऑफ आइसोमर. कौन से टाइप के आइसोमर है? एन पेंटेन, नियोपेंटेन एंड आइसोपेंटेन. ये क्या है, सिर्फ चैन में डिफरेंस हो रहा है. राइट सो दीज आर चैन आइसोमर्स. आगे चलते हैं. हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर अल्केन C4H10? सिंपल सी बात है, C4 बोला हुआ है ना, हो गया. इसके अलावा कोई चेन पॉसिबल है क्या? C4H10 बोला हुआ है सिर्फ, इसके अलावा कोई चेन पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब यहां पे चेन आइसोमर देगा और वो भी कितना, 2 सिर्फ. सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन बाय द प्रोपैनल एंड प्रोपैनोन? मींस ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? एल्डिहाइड और कीटोन, और दोनों में भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. राइट तो इसका मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट, नाइट्रोइथेन कैन एग्जिबिट वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म. नाइट्रोइथेन, उसको पहले हम ड्रॉ करके लेते हैं. ये नाइट्रो ग्रुप है. राइट ये जो नाइट्रोइथेन है ये कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाता है? मेटामेरिज्म नहीं दिखा सकता. कहीं दिख रहा है क्या ऐसे कुछ बायवैलेंट ग्रुप? नहीं. ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखा सकता, क्यों? तो यहाँ पे काइरल वीरल कुछ नहीं है जो हम अगले
मैं इसके बाद का जो सीरीज रहेगा वो रहेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अभी हम सबसे स्ट्रांग बना लेते हैं ये 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसको एक बार आप स्ट्रांग बना दो फिर हम जाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की तरफ। ओके तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म भी पॉसिबल नहीं? यस यस टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे एन डबल बॉन्ड ओ मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप है उसके बाद में अल्फा कार्बन है तो यहाँ पे अल्फा कार्बन यहाँ से रीलोकेट होके यहाँ जा सकता है और ये डबल बॉन्ड इधर आ सकता है। इसका मतलब जो अगला कंपाउंड बनने वाला है वो कैसा बन सकता है यहाँ पे सी एच डबल बॉन्ड एन ओ एच और ओ। इसका मतलब दिस इज टॉटोमेरिज्म एंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म इज आल्सो नॉट पॉसिबल। सो दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम हरियाणा पीएमटी 2006। नेक्स्ट टू पेंटेनोन एंड थ्री मिथाइल ब्यूटेनोन। एक बार इसका स्ट्रक्चर निकाल लो एक दो तीन चार पांच टू पेंटेनोन डबल बॉन्ड ओ इसके बाद थ्री मिथाइल ब्यूटेनोन एक दो तीन चार और कितने नंबर पे मिथाइल बोला है तीन नंबर पे तो यहाँ पे लगा दो और दो नंबर पे डबल बॉन्ड बोला हुआ है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर है देखिए वन टू दोनों भी कीटोन ही है। इसका मतलब फंक्शनल तो कट गया सिर्फ चैन पॉसिबल है पोजिशनल पॉसिबल नहीं है स्टीरियो पॉसिबल नहीं है तो यहां से चैन आइसोमर है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एन पेंटेन एंड एन टू मिथाइल ब्यूटेन। पेंटेन में पांच कार्बन होते हैं और ब्यूटेन में ये चार कार्बन और उसके दो नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है तो यहाँ के फिर से हो गया चैन आइसोमर लेकिन यहाँ पे तो चैन आइसोमर ऑप्शन ही नहीं है इसलिए कभी भी स्टडी करते समय उनके कुछ सिनोनिम्स भी है क्या वो पता होना जरूरी है। चैन आइसोमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल आइसोमर्स स्केलेटल आइसोमर्स। तो ये अलग अलग नाम है चैन आइसोमरिज्म के कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर एंड स्केलेटल आइसोमर। तो याद रखिए इसका आंसर आता है डी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। नेक्स्ट हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C4H9Cl। C4H9Cl के लिए देखिए C4H9Cl बोला हुआ है ना तो आप Cl को कौन से पोजीशन पे लगा सकते हैं चार कार्बन के चैन पे ये चार कार्बन की चैन बस अभी लगाओ Cl को अलग अलग पोजीशन पे यहां पे एक बार Cl लगा सकते हो यहां पर एक बार एक Cl लगा सकते हो एम आई करेक्ट ओके नेक्स्ट यहां पर एक बार Cl लगा सकते हो और यहां पर एक बार Cl लगा सकते हो तो इसका मतलब वन टू थ्री फोर ये बनेगा वन क्लोरोब्यूटेन ये बनेगा टू क्लोरोब्यूटेन राइट और ये दो डिफरेंट ब्रांच वाले तो टोटल चार पॉसिबल है यहाँ पे और इस तरह से इसका आंसर आएगा बी। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम एमएसटी सीईटी 2005। तो इस तरह से काफी अच्छे जो क्वेश्चंस थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के हमने अभी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सिलेक्टेड क्वेश्चंस। तो ये कॉन्सेप्ट आप बार बार देख के स्ट्रांग बना के रखिए आपके नोटबुक में सब कॉन्सेप्ट्स अच्छे से लिख के रखिए। थैंक यू ऑल वेरी मच हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।